हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े साहब इब्राहिम के हस्बैंड खालिद नियाज ने डिसाइड किया है कि वो अपना बिजनेस सेटअप खड़ा करेंगे और वो अपने गांव से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वो गांव में जो है कुछ ऐसा करने वाले हैं कि उनकी आमदनी भी माकूल रहे और सब कुछ बढ़िया से चलता रहे और उन्हें कहीं जाना भी ना पड़े। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डेयरी फार्म खोलेंगे और उनके पास ना खेती की ज़मीन भी है, तो उसमें वो चारा बोएंगे और वहीं पर जो है वो डेयरी फार्म भी खोलेंगे। उसमें गाय भैंस वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें पालेंगे और दूध बेचेंगे। दोस्तों, दूध हमारे यहाँ 60 रुपये लीटर है, आपके यहाँ कैसे क्या भाव है आप लोग कमेंट्स करके बता सकते। ऐसा लगता है कि सबा इब्राहिम ने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा, क्योंकि हो कुछ अपोजिट ही रहा है। सबा इब्राहिम ने मुंबई में अपना देखा होगा, अपने फ्लैट तैयार करवाया पूरा बढ़िया से, और उन्होंने सोचा था कि वो अपने खालिद के साथ में वहीं रहेंगे, लेकिन खालिद की मर्जी नहीं है शहर में रहने की, क्योंकि वो सिंपल मिजाज के इंसान है, बिल्कुल सादे सिंपल सोच है उनकी और उन्हें गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। देखा जाए तो यूट्यूब भी ना दिन पर दिन जो है आमदनी सब लोगों की घटाता जा रहा है। सबा इब्राहिम के जहाँ पर 20 लाख रुपये महीने की आमदनी थी, अभी वो 10.5 लाख रुपये पर आके अटक गई है। मतलब वो वीडियो डाल भी रही है लेकिन उसके बावजूद भी नीचे आ रही है, क्योंकि नए नए क्रिएटर हर रोज पैदा हो रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूट्यूब जो है शॉर्ट पे ज्यादा जो है अपना फोकस कर रहा है, इस वजह से जो है लॉन्ग वीडियो वालों को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा है। इस वजह से वो अगर बहुत ज्यादा वीडियो डालना है तो उनकी रीच काफी हद तक सही है। अगर आप 3-3, 4-4 दिन में 5-5 दिन में वीडियो डाल रहे हैं ना, तो उनके आमदनी और कमाई और रीच वगैरह है वो डाउन होती जा रही है। पिछले दिनों जब सबा इब्राहिम की शादी हुई थी तो उस दौरान उनकी जो वीडियो है वो $20,000 के भी पार तक चली गई थी, तो यानी कि करीब 16 से 17 लाख रुपए हर महीना। और आपको पता है ये लोग जो है एडवर्टाइज वगैरह से जो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सबा इब्राहिम की फिलहाल की कमाई की, तो $12,800 पे आ गई है, यानी कि अगर $82 का $1 है तो उनकी जो कमाई है वो 10,50,000 रुपये है। वहीं अगर बात करें शुएब इब्राहिम की कमाई की, तो दोस्तों इनकी जो कमाई है सबा इब्राहिम की शादी के फौरन बाद में जो वीडियो इन्होंने डाली थी, तो $22,000-23,000 तक पहुंच गई थी, जो कि करीब 20 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन अभी इनकी जो कमाई है फिलहाल कितनी है, $5,100, यानी कि 4,18,000 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए। और वहीं देखें दीपिका कक्कड़ की कमाई, तो दोस्तों दीपिका कक्कड़ की कमाई सबा इब्राहिम की शादी पर करीब $10,000 पहुंच गई थी, $10,000-11,000, लेकिन अभी वो पहुंच गई है $2,700, यानी कि $2,700 आप समझते हैं कितने हो गए, मैं 2,15,000 के आसपास। ऐसा क्या हुआ कि शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की जो कमाई है इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि उनके बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है और हर दिन नीचे जा रही है। दोस्तों, हुआ ये कि सबा इब्राहिम की शादी पर जो शुएब इब्राहिम ने वीडियो डाली तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, क्योंकि वो जो दौर था ना वो अलग ही था। उसमें जो भी वीडियो डाल रहे थे ना सब मिलियंस में जा रही थी, ये समझ लीजिए कोई 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, महज 1 करोड़ तक भी गई हैं। लेकिन अभी क्या है, वो वीडियो बहुत कम डाल रहे हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में 1-1 वीडियो आ रही है। अभी फिलहाल उन्होंने जो है 13-14 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है। वहीं आप बात करें दीपिका कक्कड़ की, तो दीपिका कक्कड़ भी जो है करीब 10-11 दिन से उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली है। सिर्फ उनकी एक जब आई थी, जब उनकी XT गाड़ी आई थी ना BMW की, जब एक वीडियो आई थी, और उसके बाद में एक नए साल वाली जो वीडियो वो आई थी, उसके बाद में इनकी कोई वीडियो नहीं आई है। इसके बारे में भी जो है ना बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।